की जो स्थानांतरण है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? क्या केवल जिले स्तर के जो कर्मचारी हैं केवल उनके ही स्थानांतरण इस अवधि में होंगे? सर पारस्परिक स्थानांतरण होंगे या नहीं होंगे? अब एक निवेदन है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगे या बुरी लगे तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर दें। स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक की अवधि में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। अब आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों के मध्य काफी सारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। इसमें जैसे हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि क्या सर इस अवधि में केवल जिले के भीतर स्थानांतरण होंगे। दूसरा जो प्रश्न आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शिक्षक साथियों का आ रहा है कि जो स्थानांतरण है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तीसरा जो प्रश्न इसमें है कि क्या केवल जिले स्तर के जो कर्मचारी हैं केवल उनके ही स्थानांतरण इस अवधि में होंगे। जैसे हम बात करें अंतर जिला या फिर अंतर संभाग के जो कर्मचारी जैसे माध्यमिक शिक्षक या फिर प्रचार यूडीटी लेक्चरर, इनकी बात करें तो क्या इनके स्थानांतरण अभी नहीं होंगे? तो हम जानने का प्रयास करेंगे इन सभी सवालों के जवाब आदेश के अनुसार। सबसे पहले हम बता दें वीडियो शुरू करने से पूर्व कि जो स्थानांतरण है वो ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्थानांतरण ऑफलाइन होंगे, तो ऑफलाइन भी होंगे, ऑफलाइन किस परिस्थिति में होंगे और ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे, वो सारी जानकारी हम इस आदेश के अनुसार ही देखेंगे। अब एक निवेदन है कि यदि आपको जानकारी अच्छी लगे या बुरी लगे तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने कमेंट जरूर दें। सबसे पहले हम स्थानांतरण के संबंध में सामान्य सी जानकारी समझ लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की अपनी पॉलिसी जारी हो चुकी है, जो कि 2022 में जारी हुई, और इसमें बताया गया कि जो पॉलिसी है आगामी सभी वर्षों के लिए लागू होगी, और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसकी अलग से जानकारी दी जाएगी। अब जो पॉलिसी जो कि 2022 में जारी हुई थी, इसमें ऑनलाइन स्थानांतरण के संबंध में जानकारी दी गई है, और यदि इसमें कोई संशोधन होता है तो इसकी पृथक से जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग की अपनी स्थानांतरण पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में संशोधन किया गया है, इन्हें शिथिल किया गया है, और जो आदेश जारी किया गया है स्थानांतरण के संबंध में 17 जुलाई 2023 को, इसमें स्थानांतरण नीति की कुल 9 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है। यदि हम कंडिकाओं की बात करें तो जो स्थानांतरण नीति 2022 में जारी हुई थी इसकी कंडिका 3.3.7, 2.5, 2.14, 3.1.3, 3.1.4, 3.3.8, 3.1.6, 3.3.3 और 2.10। इस प्रकार से हम देखें तो कुल 9 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है, और इन कंडिकाओं का उल्लेख इस आदेश में किया गया है। अब आदेश को हम समझने का प्रयास करते हैं, और आप भी अपने जो प्रश्नों के जवाब है संभवतः इसमें देख लेंगे, ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले इसमें हम देखें, बिंदुवार हम देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि स्थानांतरण किस प्रकार से होना है। जैसे इसके दूसरे बिंदु में बताया गया कि विभाग स्तर पर वर्तमान में उच्च पद पर प्रभार की कार्रवाई प्रचलन में होने से ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। तो इसमें बताया गया कि जो ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो उच्च पद पर प्रभार की जो कार्रवाई है जो चल रही है इसके कारण प्रारंभ नहीं की गई है। किंतु आगे इसमें बताया गया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किंतु मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशासकीय अत्यावश्यकता के दृष्टिगत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधानों में वर्ष 2023 के लिए निम्न अनुसार शिथिलता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार इसमें आगे बताया गया, चूंकि ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ नहीं हुई है, किंतु मानवीय दृष्टिकोण एवं प्रशासकीय आवश्यकताओं को देखते हुए जो विभागीय स्थानांतरण नीति है 2022 की, इसके कुछ प्रावधानों में शिथिलता प्रदान की गई है, और 2023 में इस शिथिलता के अनुसार ही ट्रांसफर किए जाएंगे। अब इस आदेश में स्थानांतरण नीति 2022 की कुल 9 कंडिकाओं को शिथिल किया गया है, और इसके उपरांत जो ट्रांसफर हैं वो किए जाएंगे। अब कौन कौन सी 9 कंडिकाएं हैं और क्या उसमें उल्लेख था 2022 में और वर्तमान में क्या उल्लेख है वो सब हम देखेंगे।
तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, इसका 2.1 बिंदु दिया गया है, इसकी कंडिका यहाँ से शुरू हो गई है, क्योंकि आदेश में बताया गया है 2.1 से 2.6 तक की जो कंडिकाएं इसमें दी गई हैं, जैसे आप देखें 2.6 तक इसमें कंडिकाएं दी गई हैं, तो उक्त जो 6 कंडिकाएं हैं वो केवल 2023 के लिए मान होगी। साथ ही इसमें एक बिंदु आप देखें जिसे हमें साथ में लेकर चलना होगा, इसका अंतिम बिंदु कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत लागू होंगे, यहाँ पर इस बिंदु को हम साथ में लेके चलेंगे। अब हम आ जाते हैं कंडिका 2.1 में, जहां से ट्रांसफर की जो जानकारी है वो बताई गई है। जैसे इसकी कंडिका, इस आदेश की कंडिका 2.1, इसमें बताया गया कि स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.3.7 में शिथिलता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए जिला संवर्ग, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जिला संवर्ग में प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड 1, 2 एवं 3 एवं वृत्त, केवल इनके लिए, जिला संवर्ग के जो कर्मचारी हैं इनके लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। अब इस पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जिला संवर्ग के कर्मचारी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर डेजिग्नेशन दिए गए हैं, केवल इनके लिए जिले के भीतर प्रशासकीय स्थानांतरण। पूर्व में बताया गया था जो कंडिका 3.3.7 है, इसमें बताया गया था कि जो स्थानांतरण है इसमें विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा जो स्थानांतरण आदेश है वो जारी किए जाएंगे, लेकिन इस कंडिका में संशोधन किया गया है, जो 3.3.7 है इस कंडिका को शिथिल किया गया है, संशोधन न कहें शिथिल किया गया है। शिथिल करने के उपरांत अब जो ट्रांसफर आदेश होंगे वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर से एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। केवल इतना संशोधन हुआ है, पूर्व में विभागीय मंत्री का अनुमोदन था इसमें और जो आदेश है वो आयुक्त लोक शिक्षण के द्वारा जारी किए जाते, लेकिन वर्तमान में जो कंडिका को शिथिल किया गया है, इस शिथिलता के अनुसार अब जो आदेश होंगे प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर से जारी किए जाएंगे। आगे इसमें बताया गया कि प्रशासकीय स्थानांतरण की यह कार्रवाई स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पदों पर दिनांक 1/8/2023 से दिनांक 10/8/2023 की अवधि में की जा सकेगी। अब यहाँ पर जो कंडिका 2.5 है स्थानांतरण नीति 2022 की, इसमें समय अवधि बताई गई थी कि 15 मई तक जो ऑनलाइन आवेदन की कार्रवाई है वो पूर्ण कर लेना है, जो स्थानांतरण की कार्रवाई है इसे पूर्ण कर लेना है, लेकिन इसमें शिथिलता दी गई है और अब जो स्थानांतरण है 1/8/2023 से 10/8/2023 तक की अवधि में जो ऑनलाइन कार्रवाई है इसे पूर्ण करना होगा। अब इस आदेश की कंडिका 2.1 के अनुसार आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे इसमें हम देखें तो बताया गया कि जिला संवर्ग के जो कर्मचारी है इनका स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, साथ ही जो स्थानांतरण नीति 2022 है इसकी दो कंडिकाओं को इसमें शिथिल किया गया है। पहली कंडिका है 3.3.7 जो कि अनुमोदन और आदेश जारी करने के संबंध में थी, और दूसरी जो कंडिका है 2.5 जो कि समय सारणी के संबंध में थी, और जो नवीन समय सारणी है इसमें नीचे दी गई है 1/8 से 10/8/2023 की अवधि में। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसमें दो कंडिकाओं को शिथिल किया गया है स्थानांतरण नीति 2022 की। अब इसमें एक बिंदु और लेकर हम चलते हैं जो कि इस आदेश में दिया गया है, जिसमें बताया गया कि स्थानांतरण नीति 2022 के शेष बिंदु यथावत लागू होंगे। केवल 9 ऐसी कंडिकाएं हैं जिन्हें शिथिल किया गया है, इन्हें छोड़कर शेष जो कंडिकाएं हैं वो यथावत लागू होगी। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा कि सर जो जिला संवर्ग के जैसे प्राथमिक शिक्षक हैं इनका स्थानांतरण हो गया, लेकिन यदि हम बात करें माध्यमिक शिक्षक की, यूडीटी की, लेक्चरर की, इनकी, तो इनका स्थानांतरण कैसे होगा? चूंकि इसमें बताया गया है कि शेष जो कंडिकाएं हैं वो यथावत लागू होगी, तो 2022 में स्पष्ट रूप से बताया गया था, जैसे हम देखें 8/9/2022 को स्थानांतरण नीति जारी हुई थी, तो इसकी दो कंडिकाएं बस हम देखेंगे 2.7 और 3.1.5, चूंकि इनमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। जैसे हम 2.7 की जो कंडिका है इसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, जिसमें बताया गया कि स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु शिथिलता की अवधि में पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। शेष अवधि के दौरान किसी भी मोड में स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
तो इसकी जो कंडिका 2.7 है इसमें ऑनलाइन आवेदन के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है और जो कंडिका 2.7 है वो यथावत लागू होगी, क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है लास्ट में कि शेष जो कंडिकाएं हैं वो यथावत लागू होगी। जैसे हम अंतिम इसका बिंदु देख लेते हैं, चौथा बिंदु इसमें दिया गया है कि विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत लागू होंगे। तो जो कंडिका भी हमने देखा स्थानांतरण नीति 2022 की 2.7 की कंडिका, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने का उल्लेख हुआ है, और जो कंडिका है 2.7 उसे शिथिल नहीं किया गया है इस आदेश में। जैसे आप देख सकते हैं कि केवल 9 ऐसी कंडिकाएं हैं जिन्हें शिथिल किया गया है, 2.7 की जो कंडिका है इसे शिथिल नहीं किया गया है। पहला जवाब की जो आवेदन है वो ऑनलाइन होंगे। अब दूसरा जवाब, जैसे जिले से बाहर स्थानांतरण लेना है तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप किस संवर्ग के कर्मचारी हैं। जैसे आप जिला संवर्ग के कर्मचारी हैं और आपको जिले से बाहर स्थानांतरण लेना है, जैसे हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, अब प्राथमिक शिक्षक जैसे कोई शिक्षक सिंगरौली में कार्यरत है और उन्हें छिंदवाड़ा में ट्रांसफर लेना हो, तो ऐसे शिक्षकों के लिए जो अवधि इसमें शिथिल की गई है 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 की जो अवधि इसमें दी गई है, इस अवधि के पश्चात ट्रांसफर होंगे। जैसे हम बात करें जिला संवर्ग के अंतर जिला और संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय, एक संभाग से दूसरे संभाग, अर्थात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है जिला संवर्ग के ऐसे कर्मचारी जो जिला संवर्ग के अंदर कार्यरत हैं, जैसे इस प्रकार के कर्मचारी, और उन्हें एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेना है। इसी प्रकार संभाग संवर्ग के जो कर्मचारी हैं, अर्थात केवल संभाग में जिनका स्थानांतरण हो सकता है, अब उन्हें संभाग परिवर्तित करना है एक संभाग से दूसरे संभाग, तो इनके लिए मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के आगे इसमें बताया गया, जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया कि 2022 के प्रावधान अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जाएंगे। तो स्थानांतरण नीति 2022 की जो कंडिका 2.5 है, जो कि समय सारणी के संबंध में थी, जिसमें बताया गया था कि 15 मई तक जो स्थानांतरण है इसकी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी और इसे शिथिल किया गया है, और जो नवीन समय सारणी है 2.1 में उल्लेखित है, जो कि 1 अगस्त 2023 से 10 अगस्त 2023 तक की अवधि इसमें बताई गई है, तो इस अवधि के पश्चात ऐसे स्थानांतरण होंगे जो जिला संवर्ग के कर्मचारी हैं और संभागीय संवर्ग के कर्मचारी हैं, जो कि एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाह रहे हैं जिला संवर्ग के कर्मचारी, और संभागीय संवर्ग के जो कर्मचारी हैं एक संभाग से दूसरे संभाग में ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं, तो इनके लिए जो अवधि है वो इस अवधि के पश्चात इनके स्थानांतरण हो सकेंगे। साथ ही इनके स्थानांतरण कैसे होंगे इसे भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें हम देखते हैं, जैसे पहले बिंदु में केवल जिला संवर्ग के कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, शेष कर्मचारियों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उनके लिए जैसे माध्यमिक शिक्षक हो गए या फिर अन्य जो शिक्षक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षक की हम बात करें, माध्यमिक शिक्षक संभाग स्तर पर ट्रांसफर ले सकते हैं, तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो है वो स्थानांतरण नीति 2022 की जो कंडिकाएं हैं वो लागू होंगी, अर्थात वे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जिला संवर्ग के कर्मचारी ही इस अवधि में अपना जो आवेदन है वो कर पाएंगे। तो इसमें आप अपने संवर्ग के अनुसार अपना स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ही उल्लेखित है कि शेष जो प्रावधान है वो यथावत लागू होंगे। तो शेष जो प्रावधान जो पूर्व में बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करना है, और पूर्व की जो स्थानांतरण नीति 2022 की स्थानांतरण नीति है जो कि लागू है इस वर्ष भी, केवल 9 कंडिकाओं को शिथिल किया गया है, तो उसके अनुसार जैसे लास्ट ईयर हम देखें तो सभी संवर्गों के ट्रांसफर हुए थे, जो जिस संवर्ग के थे उस संवर्ग में उन्होंने ट्रांसफर ले लिया था, लेकिन यदि संवर्ग चेंज होता है तब इसके लिए इसमें उल्लेख आगे किया गया है, और संवर्ग चेंज होने पर इसमें ऑफलाइन आवेदन का प्रावधान है। जैसे ऑफलाइन के संबंध में हम देखें तो इस आदेश में उल्लेख किया गया है, इसमें बताया गया है, इसका चौथा बिंदु दिया गया है 2.4, जिसमें स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.3 तथा 3.1.4 में शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है। सबसे पहले हम जो कंडिका है इसे देख लेते हैं, जो दोनों कंडिकाएं हैं, जिसमें बताया गया कि स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु लोक सेवक अपने यूजर आईडी पासवर्ड से ऑनलाइन आवेदन करेंगे एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से, और जो सेकंड कंडिका इसमें दी गई है 3.1.4, जिसमें बताया गया था कि च्वाइस फिलिंग वरीयता क्रम में उपलब्धता अनुसार रिक्त पद पर बगैर मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से दोनों कंडिका हम देखें 3.1.3 और 3.1.4, जिसमें ऑनलाइन आवेदन और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण का उल्लेख किया गया था, तो इसे
शिथिल किया गया है इस आदेश के अनुसार। जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया है कि स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है, तो केवल इनके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होंगे, ऑफलाइन आवेदन होंगे। और ऑफलाइन आवेदन एक बार अच्छे से और समझ लें कि ऑफलाइन आवेदन किन के होंगे। अब ऐसे कर्मचारी जो जिला संवर्ग के हैं और वे अंतर जिला स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं, जिला संवर्ग के कर्मचारी जैसे प्राथमिक शिक्षक या फिर सहायक ग्रेड 1, 2, 3 इस प्रकार के जो कर्मचारी है जो पूर्व में उल्लेख हुआ था, इस प्रकार के कर्मचारी जो जिला संवर्ग के कर्मचारी हैं और वे जिले से बाहर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण लेना चाह रहे हैं, या फिर संभाग संवर्ग के जो कर्मचारी हैं जैसे माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक जैसे एक संभाग से दूसरे संभाग में, जैसे मेरी खुद की बात करूं जबलपुर संभाग से यदि मुझे नर्मदापुरम संभाग में जाना हो, तब ऐसे कर्मचारियों के लिए संभाग चेंज हो रहा है, तब ऐसे कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की गई है। ऐसे कर्मचारियों का जो आवेदन है वो ऑफलाइन होगा। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हो रहा है कि आप अपने संवर्ग में जो शिथिलता की अवधि है 1 अगस्त से 10 अगस्त 2023 तक अपना ऑनलाइन आवेदन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक अपने संवर्ग में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें बाध्यता नहीं है कि केवल जिले के भीतर स्थानांतरण होंगे, क्योंकि इसी आदेश के सबसे अंत में लिखा हुआ है कि जो 9 कंडिकाएं शिथिल की गई हैं इन्हें छोड़कर स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत होंगे। तो जैसे लास्ट ईयर जो स्थानांतरण हुए हैं वैसे ही स्थानांतरण होंगे, केवल 9 कंडिकाओं को शिथिल किया गया है। एक और बिंदु इसमें लेते हैं नवनियुक्त शिक्षकों का। जो नवीन भर्ती शिक्षक हैं इनके लिए स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 2.14 में उल्लेख किया गया था कि ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिस संस्था में इन्हें पदस्थ किया गया है ऐसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष इन्हें कार्य करना अनिवार्य होगा, लेकिन इस कंडिका को अब शिथिल कर दिया गया है इस वर्ष के लिए। और ऐसे जो नवनियुक्त शिक्षक हैं जो जिला संवर्ग के हैं और उन्हें अंतर जिला स्थानांतरण लेना हो, तब वे अंतर जिला स्थानांतरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर ले सकते हैं। यदि संबंधित जिले में रिक्त पद हैं तब वे स्थानांतरण ले सकेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो कंडिकाएं शिथिल की गई हैं इनका उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे अगला बिंदु इसमें दिया गया है 2.6, इस आदेश की कंडिका 2.6, इसमें कुल कितने स्थानांतरण होंगे इस संबंध में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.3.8 में अधिकतम स्थानांतरण की सीमा को अधिकतम 15% से घटाकर 5% की सीमा में किया जाएगा। अर्थात जो ट्रांसफर है इस सत्र में 2023-24 में इसमें केवल 5% ट्रांसफर होंगे। अब 5% कैसे ट्रांसफर होंगे, तो इसके लिए निर्देश दिया गया था जो कंडिका है 3.3.8, इसमें बताया गया था कि यदि किसी पद या संवर्ग में 200 तक पद हैं तब 20% ट्रांसफर होंगे, लेकिन 200 से अधिक संख्या होने पर 15% ट्रांसफर किए जाएंगे, और उस 15% को घटाकर अब 5% की सीमा इसमें उल्लेखित कर दिया गया है। अब 5% कैसे होंगे इसे हम समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी जिले में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1000 है। अब चूंकि 200 से अधिक संख्या हो गई, 1000 संख्या है, तो इसमें केवल 5% ट्रांसफर किए जाएंगे। अब 1000 का 5% आप निकाल सकते हैं, 50 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा 1000 में। इसी प्रकार यदि हम देखें कि किसी जिले में यदि 500 यूडीटी हैं, तो इनका 5% अर्थात 25 शिक्षकों जो 25 यूडीटी हैं इनके स्थानांतरण होंगे। तो इस प्रकार से इसमें संख्या निश्चित कर दी गई है कि 5% जो ट्रांसफर है वो किए जाएंगे। और आदेश का यदि तीसरा बिंदु हम देखें तो इसमें बताया गया कि स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 3.1.6 में प्रावधानित है कि सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल विद्यालयों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी। यहाँ पर जो कंडिका है 2022 की स्थानांतरण नीति की कंडिका, इसमें उल्लेख किया गया था कि ऐसे विद्यालयों में स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी, किंतु इस श्रेणी की शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी की शालाओं में स्थानांतरित किए जा सकेंगे। तो यहाँ पर तो इन विद्यालयों के लिए स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। आगे जो स्थानांतरण नीति की कंडिका दी गई है 3.3.3, इसके अनुसार प्रशासकीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी स्पष्ट उल्लेख है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कंडिका इसमें दी गई है, इसे ध्यान रखना जरूरी है। इसी प्रकार स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 के अनुक्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग में अतिशेष की स्थिति है तथा जिन संभाग में संभाग संवर्ग के अतिशेष की स्थिति है, उन जिलों और संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है जो कंडिका है 2.10, इसमें
बताया गया कि जहां अतिशेष की स्थिति निर्मित है संवर्ग वाइज उन जिलों में स्थानांतरण नहीं होंगे, महत्वपूर्ण उल्लेख इसमें किया गया है। तो जैसे लास्ट ईयर की भी हम बात करें, जैसे कुछ जिलों को फ्रीज करके रखा हुआ था, लॉक करके रखा हुआ था, उन जिलों में स्थानांतरण नहीं हुए थे। तो सैम इसी प्रकार अभी भी इसमें उल्लेखित है कि जहां अतिशेष की स्थिति है संवर्ग वाइज उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखें तो इस आदेश में जो कंडिका दी गई है 2.1 से 2.6 तक, शिथिलता वर्ष 2023 के लिए ही मान होगी। दूसरा जो इसमें है कि इस वर्ष 2023 के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत लागू होंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी हमें ध्यान रखना जरूरी होगा। जैसे 2022 में जैसे स्थानांतरण हुए थे कर्मचारियों के, सेम वैसे ही स्थानांतरण होंगे, क्योंकि 2022 की जो अन्य कंडिकाएं हैं जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में उल्लेख किया गया था वो यथावत लागू होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं दी गई है जैसे हमने पूर्व में देखा। इसमें एक प्रश्न और था जो अभी याद आ रहा है म्यूचुअल के संबंध में, जो पारस्परिक स्थानांतरण है इस संबंध में काफी सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न था कि सर पारस्परिक स्थानांतरण होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें आप पढ़ लें कि स्थानांतरण 2022 के शेष प्रावधान यथावत लागू होंगे। तो शेष प्रावधान यदि यथावत लागू होंगे तो हम स्थानांतरण नीति की कंडिका 3.1.5 देख लेते हैं जिसमें शिथिलता प्रदान नहीं की गई है, अर्थात इसे शिथिल नहीं किया गया है। इसमें बताया गया था कि स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन हो सकेंगे, इसके लिए समान पद और समान विषय होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन होंगे, और ऑनलाइन जो आवेदन है वो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से होंगे, और जो ट्रांसफर आदेश हैं वो तो खैर ऑनलाइन जारी होंगे, इस संबंध में उल्लेख किया है। ऑनलाइन आप एजुकेशन पोर्टल से अपने ट्रांसफर ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप अपने एम शिक्षा मित्र लॉगिन पर भी अपना ट्रांसफर ऑर्डर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी इसमें उल्लेख किया गया है 3.1.5 की कंडिका में, तो स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑप्शन आते हैं, संभवतः जैसे अवधि बताई गई है 1 अगस्त से 10 अगस्त 2023 तक, इस अवधि में ऑनलाइन आवेदन होंगे एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से, और समस्त प्रकार के कर्मचारी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। केवल जो संवर्ग वाइज इसमें डिटेल दी गई है, जैसे जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण ले रहे हैं और संभाग संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण ले रहे हैं, ऐसे कर्मचारी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, उन्हें संभवतः उनका जो है ऑफलाइन आवेदन होगा। तो आशा है शायद आप कंडिकाएं और बिंदुओं को समझ पाए होंगे। आगे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थी स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी, आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।